खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से। नंबरदारी रकबा हमारा है, कब्जा ग्रुप जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इन कब्जा माफिया से तहफ्फुज दिया जाए। चक नंबर 339 WBA के रहायशी फारूक कुरैशी, नंबरदार और हनीफ कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नंबरदारी रकबा पहले हकनवाज घल्लो मस्ताजरी काश्त करता था, हमारा उनसे मस्ताजरी का मुआहदा खत्म हो गया, हमने अपनी काश्त शुरू कर दी, मगर हकनवाज गलो और जहांजेब कुरैशी ने मेरे नाम का मुस्ताजरी मुआहदा बनाकर पुलिस अफसरान को कब्जा दिलवाने की दरख्वास्त दे दी। उन्होंने हमारे ऊपर पुलिस से मिली भगत करके मुकदमा भी थाना सिटी दर्ज करवा दिया। फारूक कुरैशी नंबरदार ने मस्ताजरी के पैसे भी ले रखे हैं, अब फसल गंदम काश नहीं करने देता, साथियों के हमरा ट्रैक्टर लेकर जबरदस्ती नंबरदारी रकबा पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमारी खवातीन को भी मारा पीटा, जान से मारने की धमकियां दी। शोर शराबे पे अहले इलाका पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने रकबा खाली करवाया और दोनों ग्रुपों को पुलिस थाना ले आए। फारूक कुरैशी की मदद में कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज की दरख्वास्त दे दी है। फारूक कुरैशी नंबरदार हनीफ कुरैशी दीगर ने वजीर आला पंजाब एडिशनल IG पंजाब RPO मुल्तान से इंसाफ की अपील की है। जहां जेब कुरैशी ने अपने मौकफ में कहा है कि मैं फारूक कुरैशी नंबरदार का बेटा हूं, मेरे पास नंबरदारी रकबा का मुख्तियार आम है, इस नंबरदारी रकबा को हकनवाज गलो के साथ मिलकर इस रकबा पर काश्त कर रहे हैं, पहले भी हकनवाज गलो काश्त कर रहा था, फसल कपास के बाद फारूक कुरैशी नंबरदार और दीगर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं।